नमः संस्कृताय। सर्वेषां छात्राणां स्वागतं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे। हम नवमी कक्षा का जो पंचम पाठ है सुक्ति मोक्तिकम, इस पाठ की आप चर्चा करेंगे। इससे पहले जितने भी पाठ थे अपने चार पाठ, उन पाठों को अपन ने पढ़ लिया है, उन पाठों के प्रश्नों को भी अपन ने समझ रखा है। आज अपना जो पाठ है वो सुक्ति मोक्तिकम, अर्थात जो सुक्तियाँ हैं। सुक्ति का मतलब होता है सुष्टु हो उक्ति इति सुक्ति। सुक्ति का जब आप संधि विच्छेद करोगे तब आपके सामने क्या बनेगा, सुदन उक्ति ही, सुहुदन उक्ति ही बराबर सुक्ति। अर्थात ऐसी उक्ति, ऐसी कोई बात कह दी गई है जो कैसी है, सु, सु का मतलब होता है सुष्टु, सुष्टु का मतलब होता है अच्छा, अर्थात अच्छी कही गई जो उक्ति, अच्छी कही गई जो बात, उसको अपन क्या कहते हैं, सुक्ति कहते हैं। मोक्तिकम, मोक्तिकम का मतलब होता है मणि, अर्थात मोती, सुक्ति रूपी मोती है। जैसे सबसे जो अपन कहते हैं ना, जो कीमती वस्तु होती हैं वो अपन किसको कहते हैं, मणियों को मानते हैं, मोतियों को सबसे बहुमूल्य मानते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे संस्कृत कवियों ने जो सुक्तियाँ लिखी हैं, उनके जो महाकाव्य आदि में, उनके नीति आदि ग्रंथों में जो सुक्तियाँ कही गई हैं, अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, वो भी बहुमूल्य हैं, वो भी उन मोतियों के समान हैं, वो भी उन मणियों के समान हैं। तो मैं आपके सामने चर्चा करूँगा, अर्थात अच्छी कही गई जो बातें हैं, सुक्ति हैं, वो किसके स्वरूप हैं, वो उन मोक्तियों के स्वरूप हैं, उन मोतियों के स्वरूप हैं, उन मणियों के स्वरूप हैं, अर्थात मोती रूपी सुक्ति, इस प्रकार इसका अर्थ लोगे आप। क्या है पाठ में कि संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। हमारा जो संस्कृत साहित्य है, यहाँ पर जो नीति ग्रंथ हैं उनकी परंपरा है, वो समृद्ध है, परिपूर्ण है। संस्कृत साहित्य से अपन लेते हैं जितना जो भी सब कुछ जो संस्कृत में लिखा गया काव्य आदि है, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। साहित्य का मतलब क्या होता है, सहितस्य भावेति साहित्य, सहित शब्द से क्षय प्रत्यय करते हैं तब साहित्य शब्द बनता है। साहित्य का मतलब होता है जो रस से युक्त हो। तो देखो आप, साहित्य में हमारे साहित्य का मतलब क्या समझे आप, जितने संस्कृत के जितने जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सारा के सारे क्या हैं, साहित्य हैं। अब देखो आप, उनमें साहित्य के अंदर भी जो नीति के ग्रंथ हैं वो भी भरे पड़े हैं। नीति में जैसे आप लेते हो भरतरी का लिखा हुआ जो नीति शतकम है, वो भी नीति ग्रंथ है, क्योंकि वो नीतियों की शिक्षा देता है, है ना। जैसे चाणक्य नीति पढ़ते हो आप, ये भी जो ग्रंथ हैं, जैसे विदुर नीति पढ़ते हो, ये भी नीति के ग्रंथ हैं। इनमें सारी जो शिक्षाएं हैं वो नीतिप्रद शिक्षाएं हैं, नीतियों की शिक्षा दी जाती है। इसीलिए कहा कि संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इसमें सार गर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएँ दी गई हैं। क्या कहा, इनमें किनमें, इनमें नीति ग्रंथों में, इन नीति ग्रंथों में सार गर्भित, सार से युक्त और सरल रूप से, जो हर किसी को समझ में आ जाए, इस प्रकार नैतिक शिक्षाएं, नैतिक शिक्षाएं का मतलब होता है नीति की शिक्षाएं दी गई हैं। ये जो ग्रंथ हैं हमारे नीति ग्रंथ, इनमें बहुत ही सार युक्त, जिसमें सार सार बताया है, ऐसी नीति की शिक्षा इनमें दी गई है। इनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। किनसे, ये जो हमारे नीति की जो बातें हैं, जो सार गर्भित बातें हैं, जो नीति की शिक्षाएं हैं, इनके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। क्योंकि ये जो सारी बातें हैं वो जीवन पर आधारित हैं, अपना जीवन किस प्रकार हो, मनुष्य किस प्रकार हो, मनुष्य का रहन सहन कैसा हो, मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार से रहना चाहिए, इस प्रकार की जितनी भी जो सारी शिक्षाएं होती हैं, सो सारी शिक्षा किस में दी गई हैं, इन नीति ग्रंथों में दी गई हैं। इसीलिए व्यक्ति की जब अभिप्रेरणा होती है, जब व्यक्ति कुछ सीखता है तो उनको इन सुक्तियों से ही वो सीखता है। इनको ही अगर व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है तो इससे बाहर कुछ ज्ञान है ही नहीं, मैं तो ये मानता हूँ। तो इन्होंने क्या कहा, इनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित हैं। कौन से,
यही मैंने कहा ना, ये हमारे जो सुक्ति हैं, सुभाषित, देखो सुक्ति, सुभाषित, सुष्टु वचन, इन ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। इन सभी का अर्थ यही होता है, जो अच्छी कही की जो बात है उसको सुभाषित कहो, उनको सुक्ति कहो, ये सारे समान ही हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ मनोहारी अर्थात मन के हरण करने वाले और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ पर आपके इस पाठ में संकलित किए गए हैं, आपके इस पाठ में उद्धृत किए गए, जो कैसे हैं, जो मनोहारी हैं और बहुमूल्य हैं, जिनमें है सदाचरण की महत्ता। जिसमें अब बताए इनमें है क्या, सब में बताया क्या है, एक तो सदाचरण, व्यक्ति का सदाचार होता है उसकी महत्ता। सदाचार का मतलब होता है व्यक्ति का जो चरित्र होता है, उस वो चरित्र की महत्ता क्या है, उसके बारे में भी आपको इस श्लोकों में बताया है। प्रिय वाणी की आवश्यकता, प्रिय वाणी की, अच्छी वाणी की क्या आवश्यकता है, मीठी वाणी की क्या आवश्यकता है, मीठी वाणी बोलने से क्या होता है, वो भी आपको श्लोक के माध्यम से बताया जाएगा। परोपकारी पुरुष का स्वभाव, जो पर दूसरों का हित चाहने वाला व्यक्ति होता है उनका स्वभाव कैसे होता है, वो भी आपको इन सूक्तियों में बताया जाएगा। गुणा अर्जन की प्रेरणा, गुणों का अर्जन कैसे करते हैं, गुणों को प्राप्त कैसे करते हैं, उनकी प्रेरणा के बारे में भी बताया गया है। मित्रता का स्वरूप, मित्र किस प्रकार का हो उसका स्वरूप भी बताया गया है। उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा, अच्छे व्यक्ति के पास में, सज्जन पुरुष के पास में अपन संपर्क रहता है हमारा, उन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना रहता है, उनके पास अपन रहते हैं, तो उनकी हमारी और शोभा क्या बढ़ जाती है, उसकी भी इसमें प्रशंसा की गई है, इसमें बताई गई है। सत्संगति की महिमा का भी इसमें वर्णन, सत्संगति का मतलब होता है सज्जनों के साथ में जो अच्छी संगति होती है उसी को क्या कहते हैं, सत्संगति, सताम संगति, सत्संगति। तो अब मैं एक एक आपका यहाँ मोती स्वरूप, ये जो श्लोक हैं मोती स्वरूप जो आपकी सुक्ति हैं, एक एक सुक्ति को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, तो अच्छे से आप सब लोग समझिएगा। सारी सुक्तियाँ ध्यान रखना, एक एक सुक्ति आपकी बहुमूल्य हैं, आसानी से मिलने वाली नहीं है ऐसी, अब फिर भी आपको देखो पढ़ाई जा रही है ऐसी, तो आप अच्छे कर्म किए आप लोगों ने, तब आपको पढ़ने को मिल रहा है। ऐसी सुक्तियाँ जो हर कोई थोड़ी पढ़ सकता है, ऐसी संस्कृत की सुक्तियाँ, चलो पढ़ते हैं अपन। क्या कहा इन्होंने के वृतम यत्नेन संरक्षेत, विततम एति चे याति चे, अक्षीणो विततः क्षीणो वृतस्तु अतो हतः। क्या कहा, वृतम, वृतम का मतलब होता है चरित्र, चरित्र का मतलब होता है सदाचार, इसका मतलब क्या होता है, सदाचार, अपना जो आचरण है वो अच्छा हो, उसको कहते हैं वृतम। यत्नेन, यत्नेन का मतलब होता है यत्न से, प्रयत्न से, प्रयास से। संरक्षेत, संरक्षेत का मतलब होता है रक्षा करे, उसकी रक्षा करे। वित्तम, वित्तम का मतलब होता है धन, वित्त का मतलब क्या होता है, धन। एति, एति मतलब आता है और याति मतलब जाता है, तो पहली वाली लाइन का अर्थ क्या हुआ, वृतम अर्थात सदाचार की रक्षा प्रयास से करनी चाहिए, या फिर प्रयास को पहला लो कि प्रयास से ही हमारा जो चरित्र है, सदाचार है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, धन की नहीं। यहाँ पर दो चीज़ें बताई हैं, एक तो क्या बताया है वृत्त और दूसरा है वित्त, दो चीज़ हैं, दो चीज़ कौन सी, एक तो है वित्त मतलब धन और दूसरा है वृत्त, वृत्त का मतलब है सदाचार, सदाचार और धन के विषय में अपने को इस श्लोक में बताया है। क्या कहा, हमेशा प्रयास से ही सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, धन की नहीं। क्यों, क्यों नहीं करे धन की, क्योंकि जो वित्तम होता है वो एतिम चे यातिम चे, वो आता है और जाता है, लेकिन सदाचार है वो आता जाता वाला सिस्टम इसमें नहीं है, एक बार चला गया तो फिर चला ही जाता है। तो श्लोक ऊपर वाली लाइन का अर्थ क्या हुआ, हमको हमेशा अपने जो सदाचार हैं उसकी रक्षा प्रयास से करनी चाहिए, लेकिन धन की नहीं। क्यों, क्योंकि धन है जो आता रहता है और जाता रहता है। अक्षीणो वितत क्षीणो, ये जो वितत है, ये जो धन है, वो क्षीण अगर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर भी अक्षीणो है, अक्षीणों का मतलब फिर भी नष्ट हुआ नहीं है, अर्थात नष्ट हो जाने पर भी धन नष्ट नहीं हो जाता, या फिर धन के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति का कुछ भी नष्ट नहीं हो जाता है। अगर अपने पास में धन दौलत आदि अपना नष्ट हो जाता है, तो अब ऐसा समझो आपका नष्ट कुछ भी नहीं हुआ है। वृतस्तु, वृत्ततास्तु अर्थात वृत्ततः का मतलब लेते हो सदाचार से, लेकिन सदाचार अगर आपका क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो व्यक्ति हतो हता अर्थात मरे हुए के समान है, उसका सब कुछ नष्ट हो गया है ऐसा समझो आप।
अब आपने शब्दों का, इन पदों का अर्थ समझा है, अब मैं श्लोक का अर्थ क्या ले रहा हूँ। हमको हमारे चरित्र की बहुत ही प्रयास के साथ में ये रक्षा करनी चाहिए, धन की नहीं। क्यों? क्योंकि धन तो आता है और जाता है, धन के नष्ट हो जाने से कुछ भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन सदाचार के, चरित्र के नष्ट हो जाने से व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। वो व्यक्ति किसके समान है? मरे हुए के समान है। उसका जीवित रहना कोई मायने नहीं रखता है। श्लोक का अर्थ क्या समझे आप? हमको हमारे सदाचार की बहुत ही प्रयास के साथ में रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सदाचार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो क्या कहा इसने? सदाचार की हमेशा अपने को यत्न के साथ में रक्षा करनी चाहिए, धन की नहीं, क्योंकि धन आता है और जाता है, और धन के नष्ट हो जाने पर भी व्यक्ति का कुछ भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन सदाचार के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है, वो व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। तो श्लोक आप सभी को समझ में आया होगा, एक बार फिर भी मैं बता देता हूँ। हमको प्रयास के साथ में हमारे चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, धन की नहीं, क्योंकि धन तो आता है और जाता है, और धन के नष्ट हो जाने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है, व्यक्ति मरे हुए के समान है। आप श्लोक को समझे होंगे। अब मैं अगले श्लोक में बढ़ रहा हूँ। अगले श्लोक में क्या कहा? श्रूयेताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधारियताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। क्या कहा इसने? श्रूयेताम, श्रूयेताम मतलब सुनो, श्रूयेताम मतलब सुनो, और धर्म सर्वस्व अर्थात धर्म का सर्वस्व, जो धर्म का सार है, धर्म का क्या है? सार है। उसको क्या करो आप? सुनो और श्रुत्वा उसको सुन करके चैव अवधारियता, अवधारियता का मतलब होता है धारण करो, और इसको आप क्या करो? धारण करो। पहली बार लाइन का अर्थ क्या हुआ? आप धर्म का जो सार है, धर्म का जो भी अर्थ है, उस धर्म के सार को आप सुनो, और सुन करके अपने जीवन में उसको क्या करो? धारण करो। धर्म के जो भी वचन हैं, धर्म की जो भी बातें हैं, उन सभी बातों को आप सुनो, और सुन करके अपने जीवन में उनको क्या करो? धारण करो। और आत्मन है प्रतिकूलानी, और जो आत्म है स्वयं के लिए जो प्रतिकूल है, प्रतिकूल का मतलब होता है जो अपने लिए अच्छी नहीं है, जो वचन अपने लिए अच्छे नहीं है, जो बात अपने लिए अच्छी नहीं है, वो परेशान ने समाचरित, वो हमको दूसरों के साथ भी नहीं करनी चाहिए। दोबारा देखो, आप धर्म, सब धर्म का संपूर्ण सार सुन लो, ठीक है, उसको सुन करके अपने जीवन में उतार दो, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो अपने लिए सही नहीं होते हैं, अपने को अच्छा नहीं लगता है। कैसे? जैसे मान लो आप मार्ग में जा रहे हो, मार्ग में जाते हुए ऐसा आप नहीं चाहते कोई डाकू आता है, आपसे लूटपाट करके सब कुछ भाग जाता है, मेरी बात समझ रहे हो आप? तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कोई भी डाकू है, दस्यु है, वो आपके पास में नहीं आए, आप ऐसा चाहते हो ना? तो कवि कहता है अगर आप ऐसा सोचते हो तो ऐसा व्यवहार आप भी दूसरों के साथ में मत करना। जैसे सामान्य उदाहरण, लौकिक उदाहरण से समझो आप। जैसे मान लो आपके पास में रुपए पड़े हैं, अगर आपके रुपए कोई चुरा के ले जाता है, तब आप क्या चाहते हो? मेरे कोई रुपए हैं तो चुरा के ना लेके जाए। तो आप क्या चाहते हो? मेरे साथ तो क्या हो, प्रतिकूल ना बल्कि अनुकूल व्यवहार हो, अर्थात मेरे पैसे कोई चोरी करके ना लेके जाए। तो कवि कह रहा है जब जिस प्रकार आपको कष्ट होता है, उसी प्रकार सामने वाले को भी कष्ट होता है, तो आप भी ऐसा आचरण किसी दूसरों के साथ में ना करें। जिस कार्य से आपको कष्ट होता है, वही कार्य आप अन्य लोगों के साथ ना करें, ये इसका भाव हुआ। अब पूरे श्लोक का अर्थ समझो आप। क्या कहा? कि आप धर्म का सार सुनो, और सुन करके अपने जीवन में भी धारण करो, लेकिन प्रतिकूल जो कार्य होते हैं वो प्रतिकूल हम दूसरे लोगों के साथ भी नहीं करने चाहिए। जो कार्य आपको अच्छे नहीं लगते हैं, वो कार्य आप दूसरे अन्य लोगों के साथ में भी उनका आचरण नहीं करें। जिसका आचरण आप लोगों को अच्छा ना लगे, वो जिसका उनका आचरण आप अन्य लोगों के साथ में भी नहीं करें। श्लोक दोबारा देखो आप धर्म की बातें सुनो, सुनो आप उनको सुन करके अपने जीवन में भी धारण करो, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको कष्ट देने वाली होती हैं, आपके लिए प्रतिकूल होती हैं, तो ऐसा जो व्यवहार है, ऐसा जो आचरण है, वो आचरण आप अन्य लोगों के साथ में भी न करें।
ये श्लोक हुआ। तो पहला जो श्लोक था वो मनुस्मृति से लिया है, ये वाला जो श्लोक है वो विदुर नीति से लिया है, अगले वाला श्लोक है ये लिया है किससे, चाणक्य नीति से। कहाँ से लिया है, चाणक्य नीति से लिया है।